हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायो एसे ऑफ ऑप्शंस एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल्थ्री एसिडिक एसिड एंड इथाइलिन। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एवेना कर्वेचर टेस्ट है वो किस प्लांट हार्मोन के बायो एसे के लिए यूज किया जाता है। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज बायो एसे। तो बायो एसे क्या है बच्चों? बायो एसे इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। सो ये क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है किसका? सो इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे हॉर्मोन्स की। फॉर इट्स एक्टिविटी इन द प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। यानी कि बच्चों, जो बायो एसे है वो क्या है? वो एक टेस्ट है जो कि मेजर करता है कंसेंट्रेशन ऑफ द हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द प्लांट और प्लांट पार्ट्स। नाउ अब अगर हम बात करें वन ऑफ द टाइप ऑफ बायो एसे दैट इज एवेना कर्वेचर टेस्ट के बारे में। सो एवेना कार्वेचर टेस्ट, ये क्या है बच्चों? ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया जाता है। इससे किसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है? तो यहाँ पे होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ऑक्सिन। यानी कि इट इज यूज टू एग्जामिन द एक्टिविटी ऑफ द ऑक्सिन। तो इससे ऑक्सिन की एक्टिविटी को एग्जामिन किया जाता है। यानी एग्जामिन कैसे किया जाता है? सो बाय बेसिकली मेजरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी या फिर प्लांट पार्ट। सो बाय मेजरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन द एक्टिविटी ऑफ द ऑक्सिन कैन बी एग्जामिन। सो दिस इज द एवेना कर्वेचर टेस्ट। नाउ अब अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया कि जो एवेना कर्वेचर टेस्ट है वो किस प्लांट हॉर्मोन के बायोएसे के लिए यूज किया जाता है। सो दैट इज इंडोल थ्री एसिटिक एसिड। बिकॉज ये जो इंडोल थ्री एसिटिक एसिड है बच्चों, ये एक ऑक्सिन है, ये नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिन है। एंड वी ऑल नो, अभी हमने देखा कि जो ऑक्सिन की एक्टिविटी को एग्जामिन करने के लिए जो टेस्ट है दैट इज एवेना कर्वेचर टेस्ट। यानी कि बच्चों, जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।